और हम लोग नर्वस है, क्या डॉक्टर क्या कहती है, क्या होना है क्या नहीं होना है। फोटो आ गया है, चलो जल्दी नहीं मिला रिपोर्ट, लास्ट टाइम। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। हमारा तो खाना हो गया जी, बहुत ही अच्छा लगा। मम्मी से पूछते हैं कैसा लगा? खाना बहुत ही अच्छा है, बड़ी कढ़ी दीदी बहुत बढ़िया बनाई है। हाँ। ये बड़ी कढ़ी हम बहुत दिन से खाने के लिए चाह रहे थे, क्योंकि मेरा खुद अच्छा नहीं बनता है। जिया यहाँ साड़ी पहन करके हो गई है तैयार, तो कहीं जाने की तैयारी नहीं है जी, यहाँ तैयारी है एक कोलैबोरेशन। क्योंकि इतना तो मैं कहीं जाती हूँ तो भी नहीं रेडी, लेकिन कोलैबोरेशन के लिए रेडी होना पड़ता है। देख सकते हैं जिया को खिड़की के पास बैठ करके सेब खा रही है। आप तो सो जाते हैं, हम तो सो नहीं पाते हैं, तो हम यहाँ बैठे हैं क्योंकि यहाँ से देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है, ऐसा देखने को मिलता है और हवा भी बहुत अच्छा आता है। और हम लीची देख रहे हैं, लीची पक गया, अब सोच रहे हैं मम्मी को फोन करके बोलेंगे लीची भेज दो। मार्केट में लीचियों से आ गया है। लीची यहाँ से मुझे दिख रहा है, देखिए एक पूरे पेड़ में एक लीची है मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे हवा भी बहुत अच्छा आता है, तो सो नहीं पाते। आप सोए थे तो हम सोचे उधर क्या बैठेंगे, यहाँ बैठे हैं सेब खा रहे हैं। आँख तो ऐसे जल रहा है मेरा कि सो जाए, लेकिन नींद ही नहीं होती है। आराम फरमा रही है, थोड़ा बहुत चलिए टहलिए। तब से तो टहल ही रहे थे। कहाँ टहल रही है, तब से लेटी हुई है बेडे पर, टहल रही है लेटे लेटे सपना में। नींद की कोशिश कर रहे हैं कि नींद आ जाए, लेकिन नींद आता ही नहीं है। नींद नहीं आती तो कुछ टहला करो, थकेगा शरीर तब नींद आए। एक्सरसाइज कर रहे थे अभी हम। क्या करना है इसका? अस्तर लेना है इसका, ब्लाउज बनाना। ठीक, देंगे ऋतु को। हम दे रहे जी, अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और अब निकलना है हमें मार्केट। जी आप ना उधर आराम कर रही है, तो जा करके मम्मी को लेकर के आते हैं। मम्मी को भी चलना है मार्केट, उनको भी कुछ खरीदना है और डॉक्टर के पास भी लेकर के जाना है। यहाँ पे पतिदेव अपना सामान सारा समेट रहे हैं। निकुल जी यहाँ पर हो गया है काम खत्म और अब निकलना है मार्केट, जैसा कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, तो जल्दी से चलते हो। और आप में से कुछ लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि यहाँ पे इतना सारा बुक है, ये किसका है? ये हमारे डैडी का है सारा। तो हम हो गए जी तैयार, बस मम्मी आ रही है वहाँ से, फिर चलेंगे। और कुछ ना सब कुछ पहले गए हुए थे जी वी मार्ट, वहाँ पर तो कुछ ऐसा मिला नहीं, अब देखते हैं यहाँ पर मिल जाता है कि नहीं। आए हुए रिलायंस ट्रेन नहीं मिलेगा, तो चलेंगे बाकी किसी और दुकान। जैसे गए थे वैसे ही वापस आना पड़ रहा है, यहाँ भी नहीं मिला, यहाँ तो डायरेक्ट कह दिया कि यहाँ पर है ही नहीं। उस मॉल गए थे वहाँ पर कुछ कलेक्शन तो था, लेकिन जो हमें चाहिए था वह नहीं मिला, और यहाँ वह है ही नहीं, तो कहीं और जाते हैं, अब किसी और शॉप ही जाते हैं। तो यहाँ पर तो एक सामान मिल गया थी और बाकी सामान जो किसी और दुकान में देखते हैं। प्योर कॉटन दीजिए, गर्मी ना लगे। हम नहीं बैठते तो मिलता नहीं मुझे। ये से बंडल में कितने पर मीटर पड़ रहा है मुझे? बंडल पे आपको पड़ रहा है ये 8 रुपए मीटर। हो गए जी सारी खरीदारी, खरीदारी थी सारी खरीदारी तो हो गई, उसके बाद घर लौटने ही वाले थे, फिर ध्यान आया कि थोड़ा सा पेट पूजा कर लिया था। जिया के लिए आए थे यहाँ पर मुरब्बा लेने के लिए, तो सोचा तो जिया के लिए कुछ ले रहे थे, हम लोग को भी कुछ खाना चाहिए, तो हम लोग खा रहे हैं। हमसे पूछा गया क्या खाओगे, समोसा वाला चाट या डोसा, हम डोसा खाएंगे, मुझे यही पसंद है। तो फाइनली जी आ गए मार्केट से, और घर के अंदर जो गर्मी है जी पूछिए मत, घर के अंदर अब रुके नहीं, आ गए बाहर। और जब बाहर आ रहे थे तो देखिए कि जिया पहले से यहाँ बैठी हुई है इंतजाम करके, और इधर लगा हुआ है पंखा, हमारे पीछे देख सकते हैं ये पंखा लगा हुआ है, अब इसको हमने बंद किया हुआ है क्योंकि वॉइस आएगा नहीं प्रॉपर, अब इसको ऑन कर देते हैं, ज्यादा देरी नहीं करते क्योंकि गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। गर्मी का दूसरा प्रकोप उधर देखी जाए। अच्छा किचन में, ठीक है जो अभी दिखाते, वहां तो आपको दिखाना भूल ही गए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, अभी दिखाता हूँ। क्या मम्मी बना रही हैं? दाल भर के पूड़ी बना रहे हैं कि हम जो बनाते हैं वो जिया को बहुत पसंद होता है। हमारे जो आ रहे हैं आगे वंश बनाने वाला वाली जो भी, उसको तो खिलाना पड़ेगा ही, नहीं तो कहेगी दादी खिलाई नहीं, फिर लाट टपकेगा, फिर जिया कहेगी हमारे बच्चे को आप दादी लाई नहीं, इसलिए तुम्हारी दादी पूड़ी बना के खिला रही है,
लाग ना टपके हमारे बच्चे को। इसमें क्या क्या दिए मम्मी? इसमें नमक दिए और लाल मिर्च का पाउडर दिए, जीरा का फोरन दे दिए। अब इसमें आमचूर हमारे घर में नहीं है अभी, इसलिए हमने आम का अचार का खटाई दे देते हैं। इसे बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और आप समझ सकते हैं कि जो चीज पोता पोती बोले और दादी ना खिलाए। मम्मी बोल रही है कि सिर्फ तुम्हारे लिए बना रहे गर्मी में, नहीं तो हम किसी को नहीं बना देते, बिल्कुल नहीं बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं मम्मी का पूरा पसीना पसीना हाल है। उधर हमारा खीर बन रहा है, खीर हम बना रहे, पूरी मम्मी बना रही है। एक बार मम्मी दिल्ली में बनाई थी, हम खूब खाए थे, खूब खाए थे, रेल में भी बैठ के खा रही थी, चाहे उल्टी हो गया लेकिन खाती रही। बोले मम्मी हमको बहुत पसंद है, मम्मी बोली ठीक है बना देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी क्या व्यवस्था है किचन में। मम्मी वहाँ पर खाना बना रही है और यहाँ पर बाहर में कूलर लगा हुआ है, तो मम्मी जो है अपना पूरी बनाते बनाते एक आध बार यहाँ के खड़ी हो जाती है। हवा भी लगा लेते हैं, तेल गर्म होने वाला है, अब जल्दी जल्दी गर्मा गर्म पूरी बनाएंगे। गर्मी तो लग ही रहा था, ये कूलर मुझे दे नहीं रहा था, इसलिए हम इसको कहे कि तेल जो है ना एग्जॉस्ट लगा हुआ नहीं, ये हम सोचे कूलर देना इधर गर्मी नहीं लगेगी निकल जाएगा, लेकिन मुझे तो हवा लगाना था। लेकिन हम उसी लेते हैं। चीटिंग 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 करता है तू। जी टहलना तो हो गया और अब सूर्य देवता भी नजर आ रहे हैं और इधर देख रहे हैं कि मोटर भी चल चुका है, तो जल्दी से पानी डाल देते हैं सभी पौधों में। डाल दिया जी सभी पौधों में पानी, अब सीधा चलते हैं नीचे। आगे जी ऊपर से टहल करके मम्मी भी आ चुकी है ऊपर और जिया भी अपने काम पर लग चुकी है। आज क्या बन रहा है? बीन्स, आलू बीन्स बनेगा। आलू बीन्स का भुजिया ना, रस वाला नहीं बना लेना। कल मम्मी मेरे लिए, नहीं रस वाला नहीं बनाएंगे, कल मम्मी मेरे लिए 2 वो 90 लेके आई है। अच्छा, मम्मी को बोले उसको थोड़ा फिटिंग कर दीजिए, मम्मी तब ना पहनेंगे। बोलती पहले चाय पी लो नींबू वाला। फिर से नींबू वाला चाय मम्मी का सिलाई का है। वाह, नहीं है पहले नींबू वाला। अच्छा, लेकिन जब तक देगी नहीं तब तक उसका नाइटी नहीं सिलेंगे। उतना मेहनत से खरीदने गए थे, फिर आ करके रख दिए। नाइटी सिलना है, ब्लाउज सिलना है, तो उस चाय तो मिलना चाहिए ना। बिल्कुल मिलना चाहिए। और हम लोग जब मार्केट गए थे तो लीची भी उठा करके ले आए, लेकिन लीची जो है थोड़ा सा कच्चा लग रहा है। लीची थोड़ा सा, कोई बात नहीं, 2 दिन छोड़ दो पक जाएगा। सोच रहे थे कि जिया का कब आ जाए डिलीवरी का डेट, बाद में खा पाए या नहीं। अभी जो है ना सारा नाम मेरे ऊपर फंसा के खुद लाते हैं अपने लिए। तुम्हारे लिए ही खरीदा गया था कि वही ये कह रहा था कि जिया के लिए। अभी मेरे ऊपर आता है तरबूज, जिया को डॉक्टर बोलिए खाते हैं। खस्सी मार घर भैया खाए हथिया ना बहुन जाए, ये तो नियम है। एक और बचा हुआ है, पर आया हुआ है जी नींबू वाला चाय और साथ में जो है नींबू वाली चाय के साथ साथ यहाँ भी चल रहा है बिस्किट। मम्मी चुराई थी, मम्मी अब चाय पी ली, अब बोली अब जाते हैं तुम्हारा नाइटी ठीक करेंगे। नहा करके हो गया जी तैयार और अब निकलने की तैयारी करनी है। जिया भी अपना तैयार हो चुकी है, नहाना सब कुछ हो चुका है, पूजा भी हो गया उसका, उसके बाद थोड़ा सा खाना खा रही है। खाना खाने के बाद जो है इंतजार कर रहे हैं उधर मम्मी का, और दीदी जो है नीचे वो भी तैयार होकर के बैठी हुई है। तो आज सभी लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास एक झुंड बना करके। हमको लगता है क्लिनिक में भी बोला जाएगा कौन आ गया, ये सब पूरा खानदानी उठ के आ गया यहाँ पर। एक साथ दो माँ आ रही है, तो देखते हैं वहाँ पर क्या होता है, कैसा होता है और बाकी आज डॉक्टर क्या कहती है। और हम लोग नर्वस है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। अगर डेट आ जाएगा, पूरा भरोसा है भगवान पे कि सब कुछ अच्छा होगा और आप रिपोर्ट निकाले तब तक मेरा खाना होगा। वाह, टोटो आ गया है, चलो जल्दी ये तो अपना ये लो। नहीं मिला रिपोर्ट, वो लास्ट टाइम वाला नहीं, ये 22/9 का है। पहले तो देखे थे सबसे ऊपर था वो अल्ट्रासाउंड वाला था ना, इसमें होगा वो बैग में, ये 27/4 वाला था, 21 वाला। सभी लोग बैठ चुके हैं जी, तुम यहाँ बैठ जाओ आगे, घर किन नहीं रहता इधर। तो फाइनली जी पहुँच गए हैं डॉक्टर के यहाँ, जिया जी अंदर, मम्मी और दीदी दोनों गए हैं साथ, तो देखते हैं डॉक्टर क्या कहती है। मैं यहाँ अंदर थे या मैं बाहर ही हूँ, जो भी बात करना होगा उनसे बात करेंगे। और इसीलिए 4 लोग अंदर जाना सही नहीं लगता है, इसीलिए बाहर ही रह गए।